संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन देना ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। ये दो व्यक्ति का झगड़ा है, मलजुद है, हम बड़ा तो तुम बड़ा। सम्राट को हम सत्ता के खेल में, सहमत के खेल में शतरंज का सरदार कौन बनेगा? ये योगी मोदी जी के झगड़े में इंसानियत क्यों पिछाए? देश की डेमोक्रेसी क्यों खत्म हो? संविधान क्यों खतरे में हो? आप हमें बताओ। और एक आवाज है जो पीस ढूंढ रहा है, एक आवाज है। आप कभी लाठी गोली नेल्सन मंडेला को रोक पाए, गांधी को रोक पाए? आप राहुल गांधी को रोक पाओगे? शरीफ को रोक पाओगे? आवाज को रोक पाओगे? आप उठा के देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो आज तक सरकार नहीं बन रही है, कोई कंपटीटर अमित शाह जी का ना हो जाए, इसी का तो झगड़ा है। और उत्तर प्रदेश में झगड़ा है, जोगी बड़ा है मोदी ने, अगला पीएम कौन होगा, जोगी होंगे कि अमित शाह होंगे? और उसमें पुलिस के गुंडे ही जिस तरीके से कानून का काम नहीं करती, कानून ने कहा सर्वे हो गया, दूसरे दिन कौन सा कानून आपको ऑर्डर दिया, आप जाके गोली चला दी, मासूम को मार दिया, क्यों रोक रहे हो आप? पीस के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां कोई हिंदू मुसलमान या जाति का झगड़ा तो नहीं है, वहां पुलिस का आतंक है। तो पुलिस के आतंक के आवाज के खिलाफ राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, तो आप राहुल और प्रियंका की आवाज को नहीं रोक सकते? देश राहुल और प्रियंका के साथ है, देश इंसानियत को बचाने के लिए आवाज दे रही है, देश संविधान और डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए आवाज दे रही है। जी यहाँ तक आप बैरिकेड तक भी गए, उसके बाद वापस आए, इन्होंने जाने नहीं दिया है। देखिए आप इससे क्या उम्मीद करोगे? रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, इनसे क्या उम्मीद करोगे? इनसे गोली लाठी के अलावे, नफरत के अलावे, देश तोड़ने के अलावे, गृह युद्ध के अलावे इनसे और कोई उम्मीद कर सकते हो?